हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाएंगे फ्रेंड्स बासी रोटी की बिल्कुल नए तरीके से स्नैक्स या नाश्ता बोल सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत जल्दी भी ये नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स रेसिपी को। इसको बनाने के लिए मैं 4 बासी रोटी ली हूँ और रोटी को हम ऐसे चारों रोटी के एक के ऊपर एक रख के इसको रोल बना लेंगे और मुट्ठी से हाथ से कस के इसको हम बिल्कुल पतला पतला कट करेंगे चाकू की मदद से। आप देख सकते हैं कितना पतला पतला कट कर रही हूँ, ऐसे ही पतला पतला कट कर लेना है। सारी रोटी को मैं कट कर ले रही हूँ। अब इसकी रेसिपी बनाने चलते हैं फ्रेंड्स। इसको बनाने के लिए फ्राई पैन लेंगे। फ्राई पैन में 4 से 5 चम्मच जितना तेल डाल देंगे, आधी चम्मच जीरा डाल देंगे और 2 चिटके जितना हींग डाल देंगे। इसमें 2 से 3 बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची, 4-5 लहसुन की कलियां और 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ डाल देंगे। डाल के मिक्स करके कलर चेंज होने तक प्याज को अच्छे से हम भून लेंगे। थोड़ी सी जब प्याज सॉफ्ट हो जाए तब इसमें हम गाजर डालेंगे। कद्दूकस करके मैं गाजर रखी हूँ, वो डाल दूँगी। आप कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च, गाजर, स्वीट कॉर्न, जो भी आपके पास सब्ज़ी वो डाल सकते हैं। मैं गाजर और टमाटर को डाल के अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ और फ्लेम मीडियम कर दे रही हूँ। इनको अच्छे से हम भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसको भून लेना है। जब अच्छे से भून जाए तब हम इसमें रोटी डाल देंगे जो हम बारीक कट कट के रखे हैं, इसको डाल देंगे। और मैं मैगी मसाला, जो मैगी के मसाले में मिलता है फ्रेंड्स, उसमें से मैंने 1 मैगी का मसाला पैकेट निकाल ली हूँ। आपके पास हो तो डालिए, नहीं हो तो आप मैगी मैजिक मसाला भी डाल सकते हैं। ये पैकेट मैगी मसाला डाल देंगे, इससे बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स ये स्नैक्स, बिल्कुल मैगी की फीलिंग आती है। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला और आधा नींबू का रस डाल देंगे। इससे स्वाद और बढ़ जाती है फ्रेंड्स इस नाश्ता की। और डाल के अच्छे से मिक्स करना है, फ्लेम मीडियम ही रखना है और मीडियम फ्लेम पे ही इसको चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। अच्छे से भून के भून गया, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कलर भी कितनी बढ़िया आई है। मैं हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाली हूँ, आप भी चाहे तो हल्दी पाउडर डाल सकते हैं इस रेसिपी में। धनिया पत्ता डाल के मिक्स कर देंगे और गैस ऑफ कर देंगे और एक प्लेट में निकाल के इस नाश्ता को सर्व करेंगे। अगर फ्रेंड्स मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलेंगे।